हेलो भाई, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जो कि पिछले 8 से 9 महीने हो गए छानबीन कर रही है, लेकिन आज तक सीबीआई की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दी गई कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ में क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था। लेकिन अब एक लेडी ऐसी है जो पब्लिक के सामने आई हैं, जिन्होंने एक ऐसा बड़ा खुलासा किया जो कि संजय राउत को लेकर था। जैसा कि आपने कल एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें डॉक्टर स्वप्ना ने जितना भी का पूरी स्टोरी थी संजय राउत की, वो पूरी की पूरी पब्लिक के सामने ला दी, मतलब पूरी तरह से सचिन वाजे की पोल खोल दी। लेकिन उसके बाद सपना जो है, डॉक्टर सपना जो है, वो उसी पे नहीं रुकी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड भी बात की। आप यहाँ पे एक ट्वीट देख सकते हैं, डॉक्टर स्वप्ना ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, अब जितने भी मर्डर होते हैं उनको डॉक्यूमेंट में ऐसा प्रेजेंट करवाती है कि वो जो है एक सुसाइड है। और यही सेम चीज़ जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में भी हुआ, मतलब सुशांत सिंह राजपूत का जो है हत्या किया गया था और बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या सारी जो रिपोर्ट आई उसमें जानबूझ के सुसाइड लिखवाया गया था। और साथ में उन्होंने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत को जो है मौका नहीं मिला पब्लिक के सामने बोलने का, लेकिन मुझे मौका मिला इसलिए मैंने जो है पब्लिक के सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, पूरी तरह से सारे के सारे लोगों को पोल खोल दिया है। तो अगर मेरी अगर डेथ होती है तो वो जो है सुसाइड नहीं, एक मर्डर होगी, और वो मर्डर किसी इन्हीं नेताओं द्वारा किया जाएगा, जैसे कि संजय राउत और जो जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, डॉक्टर स्वप्ना ने ये बात एक्सेप्ट की और लाइव सोशल मीडिया पे ये बात कंफर्म की कि सुशांत सिंह राजपूत का जो है मर्डर हुआ था। यानी कि डॉक्टर स्वप्ना, जैसा कि आप सबको पता है, इन्होंने संजय राउत के अंडर में काम किया है, सामना जो एक न्यूज़ चैनल में उसमें भी इन्होंने काम किया है, और साथ में ही संजय राउत के लिए भी काम किया है। तो कहीं ना कहीं इनका जो है एक बड़ा कनेक्शन है, तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ आदित्य ठाकरे के ऊपर जो बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे थे, ये जो है पब्लिक की तरफ से सवाल उठने स्टार्ट हो गए कि डॉक्टर स्वप्ना ने अगर ये बात बोली है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा, और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी इनको पता होगा, और ये जो है पब्लिक के सामने वो सच ला सकती हैं। तो कहीं ना कहीं संजय राउत के ऊपर जैसे ही इतना बड़ा आरोप लगा, उसके जस्ट बाद आदित्य ठाकरे ने संजय राउत को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आदित्य ठाकरे को किसी चीज़ से डर लग रहा है? अब या जो भी हो, लेकिन संजय राउत अगर फंसेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आदित्य ठाकरे के ऊपर भी उंगलियां उठना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में ही अगर आदित्य ठाकरे का जो सच है वो पब्लिक के सामने आया, जैसा कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं अगर वो सच हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए जो है संजय राउत जो है फंस तो रहे ही हैं, लेकिन संजय राउत अपने साथ साथ आदित्य ठाकरे को भी कहीं ना कहीं से फंसा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर स्वप्ना ने अगर पोल खोली तो 100% कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम भी पब्लिक के सामने ज़रूर आएगा। और सुशांत सिंह राजपूत केस में उनका क्या हाथ है और दिशा सालियान केस में क्या हाथ है, वो भी पब्लिक के सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि नारायण राणे ने ये चीज़ ऑन मीडिया नेशनल मीडिया चैनल पे सीधा सीधा ये बोला था कि दिशा सालियान की जो डेथ हुई है, यानी जो उनका मर्डर हुआ है, उसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट है। ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड बोली गई थी नारायण राणे के द्वारा। तो अभी आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या होता है, लेकिन डॉक्टर स्वप्ना ने जो एक बड़ा कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ा न्यूज़ है। और साथ में ही डॉक्टर स्वप्ना ने जो है रिक्वेस्ट भी की है कि उनकी जान बचा ली जाए, क्योंकि अगर उनको इस तरह से छोड़ा जाएगा, जैसा कि जो मेन कल्प्रिट है उनको छोड़ा जाएगा, तो वो मर्डर कर देंगे सेम उसी तरह जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया है। आपका क्या ओपिनियन है इसमें, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।